सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल्स, जीरो एंड यूनिट आइडियल्स, सिंपल रिंग और एक थ्योरम देखेंगे। आइडियल का डेफिनेशन और एग्जाम्पल से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, मैं आइडिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम लोग एक रिंग लेते हैं और रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, प्लस और एडिशन से डिनोट, मल्टीप्लिकेशन से इसको डिनोट करते हैं। इसका कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं रिंग का आई। इस आई नॉन एम्प्टी सबसेट जो ले रहे हैं उसी को कहेंगे, आई को ही कहेंगे आइडियल, अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई है। फर्स्ट कंडीशन है कि आई प्लस इज ए सब रिंग, सॉरी इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। आर प्लस एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप का ये एक सब ग्रुप होना चाहिए। एडिशन के रिस्पेक्ट में आई जो है वो एक सब ग्रुप होना चाहिए। और सब ग्रुप के लिए आप लोग को पता होगा कि a माइनस बी बिलोंग्स टू i फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू i। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो i जो है वो सब ग्रुप हो जाता है। तो कोई भी दो मेंबर a b लेते हैं i का, और a माइनस बी अगर i का मेंबर आ जाता है तो ये i जो है वो एक सब ग्रुप होगा r प्लस। तो पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है a कोई भी मेंबर हम लोग लेते हैं i का, आर कोई भी मेंबर लेते हैं रिंग का, और ए इंटू आर और आर इंटू ए दोनों मेंबर होना चाहिए आई का। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आई रिंग आर का, तो देन आई इज कॉल्ड आइडियल ऑफ द रिंग आर। इसको टू साइडेड आइडियल भी कहते हैं। और इसका कुछ डेफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडिया। फ्रेंड्स, ये देखिए आर जो होता है वो सबसेट होता है आर का। तो हम लोग जो आई ले रहे थे सबसेट आर का, उस आई के बदले आर ले रहे हैं, और आर प्लस जो है वो एक सब ग्रुप हो जाएगा ऑफ आर प्लस। आर प्लस का ही एक सब ग्रुप हो जाएगा आर। एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, तो आर प्लस जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा आर प्लस। और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ए कोई भी रिंग का मेंबर ले लेते हैं और आर कोई भी रिंग का मेंबर ले लेते हैं, तो ए इंटू आर भी रिंग का ही मेंबर होगा, या फिर आर इंटू ए भी रिंग का ही मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि रिंग का ही दो एलिमेंट लिए हुए हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन से दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी आर का ही मेंबर होगा। तो ये एक खुद एक आइडियल हो जाता है, आर प्लस जो है वो खुद एक आइडियल हो जाता है। तो आर का एक आइडियल तो फिक्स है, आर होगा। इसके अलावा एक और आइडियल होगा, इसका एक और आइडियल जीरो एलिमेंट सिर्फ लेते हैं, ये भी इसका एक आइडियल होगा। तो दो आइडियल तो जरूर होता है, कोई भी रिंग का कम से कम दो आइडियल जरूर होगा। एक पूरा रिंग आर होगा और एक सिर्फ जीरो एलिमेंट से सेट बनाते हैं, वो भी एक आइडियल है। यही दोनों आइडियल को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा आइडियल होता है तो उसको प्रॉपर आइडियल कहते हैं। तो रिंग कोई भी अगर लेते हैं तो उस रिंग का खुद एक आर जो है, रिंग आर, वो एक आइडियल होगा। और दूसरा आइडियल होगा सिर्फ सिंगल एलिमेंट जीरो लेते हैं तो वो भी सेम एक आइडियल होगा किसी भी रिंग। तो ये दोनों आइडियल को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल,
इसके अलावा कोई आइडियल मिलता है तो उसको कहेंगे प्रॉपर आइडिया। तो डेफिनेशन देखिए, लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग, द आइडियल आर एंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स जीरो आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल आइडिया। इसको इम्प्रॉपर आइडिया भी कहते हैं या फिर ट्रिवियल आइडिया ऑफ आर। एनी आइडियल अदर देन दिस टू आइडियल्स, ये दो आइडियल के अलावा कोई भी अगर आइडियल है इज कॉल्ड ए प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल ऑफ आर। तो दो तरह का आइडियल हो गया, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में सिर्फ दो आइडियल होगा, एक खुद आर हो जाएगा और एक जीरो एलिमेंट से जो सेट बनाएंगे वो एक सेट बनेगा, वो भी एक आइडियल होगा। तो ये दोनों आइडियल इम्प्रॉपर आइडियल, इसके अलावा कोई भी अगर आइडियल है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर आइडियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट एंड जीरो आइडियल। आर प्लस डॉट बी ए रिंग, एक रिंग ले रहे हैं हम लोग, द आइडियल आर इज कॉल्ड यूनिट आइडियल। अभी हम लोग देख चुके हैं कि आर भी एक आइडियल होता है, तो उस आर आइडियल को यूनिट आइडियल कहते हैं। एंड ये जो जीरो से जो सेट बन रहा है वो भी एक आइडियल होता है और इस आइडियल को कहते हैं जीरो आइडियल। तो दो चीज हो गया, अभी हम लोग हम इम्प्रॉपर आइडियल में देखें कि दो तरह का आइडियल, दो आइडियल है, एक आर और एक सेट जीरो। तो आर को यूनिट आइडियल कहते हैं और इसको जो है उसको हम लोग कहेंगे जीरो आइडियल। तो इम्प्रॉपर आइडियल में दो आइडियल हो गया, एक यूनिट आइडियल और एक जीरो आइडियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंपल रिंग देखते हैं कि सिंपल रिंग क्या है। ये रिंग इज कॉल्ड ए सिंपल रिंग इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। अगर किसी रिंग का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हो तो वैसे ही रिंग को कहते हैं सिंपल रिंग। ध्यान दीजिएगा, सिंपल रिंग के लिए एक ऐसा रिंग लेंगे जिसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो, यानी सिर्फ उसका इम्प्रॉपर आइडियल हो। इम्प्रॉपर आइडियल मतलब आर और जीरो से जो सेट बनता है सिर्फ वही दो आइडियल होगा, उसके अलावा कोई दूसरा आइडियल नहीं होगा, तो वैसे रिंग को हम लोग कहते हैं सिंपल रिंग। चलिए आइडियल से रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम है, द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैश इज एन आइडियल ऑफ आर। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ले रहे हैं रिंग आर से आर डैश में। आप लोग को होमोमॉर्फिज्म के बारे में पता होगा कि फाई कोई फंक्शन है रिंग आर से आर डैश में, तो इस फाई फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, फाई ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, जहां पर ए भी क्या होता है, ए और बी कोई भी मेंबर होता है रिंग। तो अगर कोई फंक्शन ले रहे हैं आर से आर डैश में, रिंग आर है दूसरा रिंग आर डैश है, तो फर्स्ट रिंग आर से सेकेंड रिंग आर डैश में एक फंक्शन ले रहे हैं, अगर वो फंक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, मतलब दोनों में अलग अलग फाई लग जाए, और फाई ए इंटू बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, जहां ए भी कोई भी रिंग का मेंबर है, तो इस फाई फंक्शन को हम लोग कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। और कर्नल किसको कहते हैं, कर्नल देखिए, कर्नल के लिए क्या होता है कि सपोज कीजिए फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश में, एक सेट बनाते हैं हम लोग, ऐसा एलिमेंट का सेट बनाते हैं जिसका इमेज फाई और इमेज जो है वो जीरो के बराबर हो, जहां ये जीरो क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश है, इस आर डैश का जीरो एलिमेंट है। तो इस सेट का वैसा एलिमेंट लेते हैं जिसका फाई इमेज जीरो के बराबर हो, तो उसी सेट को हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ फाई। जैसे हम लोग यहां पर रिंग आर से आर डैश में सपोज कीजिए एक होमोमॉर्फिज्म बनाए हैं फाई, और ए बी सी ये तीनों का इमेज जो है वो जीरो है, ये तीनों का इमेज जीरो है। इसके अलावा मान लीजिए डी है, उसका इमेज कोई दूसरा एलिमेंट है डी डैश है, या कोई और ई मान लेते हैं तो उसका एलिमेंट ई डैश है। तो ये जो तीन एलिमेंट है तीनों का इमेज जीरो है, तो जीरो के साथ जो जो एसोसिएट होगा
उसी के सेट को हम लोग कहते हैं कर्नल फाई, यानी कि कर्नल फाई में तीन एलिमेंट एबीसी हो जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिक ऑफ ए रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैस इज एन आइडियल ऑफ आर। हम लोग को दिखाना है कि जो कर्नल होता है, कर्नल इस रिंग आर का एक आइडियल होता है। तो ये कर्नल आइडियल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन आइडियल के लिए जो होता है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। तो चलिए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, देखिए लेट फाई फ्रॉम आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिक। मान लीजिए ये होमोमॉर्फिक है, तो कर्नल फाई क्या होता है, कर्नल फाई इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ए इज इक्वल टू जीरो, जहां पर जीरो क्या है, इस आर डैश है, वेयर जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश का ये जीरो एलिमेंट होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फाई इमेज ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका जीरो एलिमेंट का इमेज भी जीरो एलिमेंट ही होता है इसका। तो ये जो जीरो जो है वो आर का है और ये जीरो जो है वो आर डैश है, तो इसका जीरो एलिमेंट का फाई इमेज भी जीरो होगा अगर होमोमॉर्फिज्म होता है तो देयरफॉर कम से कम कर्नल में एक एलिमेंट जीरो तो जरूर मिलेगा। वैसा एलिमेंट कर्नल में होता है जिसका इमेज जीरो के बराबर हो, तो एक जीरो एलिमेंट है जिसका इमेज जीरो है, तो देयरफॉर जीरो निश्चित रूप से कर्नल फाई का मेंबर होगा। देयरफॉर कर्नल फाई नॉट इक्वल टू फाई, ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया, कर्नल फाई जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर कर्नल फाई इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए लेट ए बी हम लोग दो मेंबर लेते हैं कर्नल फाई का, इंप्लाइज जब कर्नल फाई का मेंबर है तो जरूर उसका इमेज जीरो एलिमेंट के बराबर हो, ए का भी और बी का भी इमेज जीरो एलिमेंट के बराबर हो। कर्नल फाई का ये डिफिनेशन ही है कि जो भी एलिमेंट होता है कर्नल फाई में उसका इमेज जीरो के बराबर होता है। तो ए और बी कर्नल फाई का एलिमेंट ले रहे हैं, तो फाई इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड फाई इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर फाई इमेज ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग फाई ऑफ ए प्लस माइनस बी लिखते हैं। अभी मैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में बता रहा था कि होमोमॉर्फिज्म में ये दोनों में लग जाता है, फाई इमेज ऑफ ए प्लस फाई इमेज ऑफ माइनस बी। फाई इमेज ऑफ ए रहने दीजिए, वो जो होता है वो माइनस बाहर हो जाएगा फाई इमेज ऑफ बी, और फाई इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और फाई इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो। तो देखिए ए माइनस बी का इमेज कितना आ रहा है जीरो, ए माइनस बी का इमेज जीरो आ गया, निश्चित रूप से ए माइनस बी कहां पर बिलोंग करेगा, कर्नल फाई। तो दस क्या दिखा दिया हम लोग कि ए और बी अगर कर्नल फाई का मेंबर है तो हम लोग दिखा दिए कि ए माइनस बी भी कर्नल फाई का मेंबर होगा। अभी आइडियल के लिए मैं बता रहा था कि सब ग्रुप दिखाना पड़ता है, और सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं किसी सेट में और उसका डिफरेंस में अगर उस सेट का मेंबर है तो निश्चित रूप से क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो देयरफॉर कर्नल फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, आर प्लस का एक सब ग्रुप हो जाएगा। ये पहला चीज दिखा चुके हैं, अब दूसरा कंडीशन दिखाना है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग दिखाते हैं कि मान लेते हैं ए कोई भी मेंबर ले लेते हैं कर्नल फाई का एंड आर का कोई भी मेंबर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं रिंग का कोई भी मेंबर, जब कर्नल फाई का ये मेंबर है तो फाई इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा। नाउ हम लोग निकालते हैं फाई ऑफ ए आर, ये फाई होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों में लग जाएगा फाई ऑफ ए
into phi of r, phi of a का वैल्यू 0 है और यहां पर phi of r 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग phi of r into a निकाल सकते हैं, तो phi of r into phi of a कर दीजिए, phi of r रहने दीजिए, phi of a का वैल्यू यहां पर 0 है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ar का भी इमेज 0 आ रहा है, ra का भी इमेज 0 आ रहा है, तो इसीलिए ar और ra दोनों किसका मेंबर हो जाएगा, कर्नल फाई का, कर्नल फाई का मेंबर, क्योंकि ar का भी इमेज 0 है और ra का भी इमेज 0 है, तो निश्चित रूप से ये दोनों कर्नल फाई का मेंबर हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि a कोई भी कर्नल फाई का मेंबर लेते हैं, r कोई भी रिंग का मेंबर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए या राइट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों कर्नल फाई का मेंबर है, तो इसीलिए ये सब ग्रुप भी हो गया और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ आर, कर्नल फाई जो है वो एक आइडियल हो गया रिंग आर का। तो फ्रेंड्स ये मैं आज कुछ थ्योरम बताया हूँ और प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल वगैरह के बारे में मैं बताया हूँ आज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या आपके जीमेल पर आते रहे, आपके मेल आईडी पर आते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।